नमस्कार, मैं आशा पांडे ओझा, उदयपुर राजस्थान से। जन सरोकार मंच टॉक की यात्रा अनवरत कार्यक्रम में आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अतुल कनक जी के साथ। अतुल कनक जी राजस्थान साहित्य जगत का एक जाना माना नाम है, और एक अतुल कनक कहते ही मुझे लगता है कि साहित्य जगत से जुड़े हुए सभी लोग उनको पहचान लेते हैं। तो अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है आपका जन सरोकार मंच टॉक पर। नमस्ते आशा जी, आभारी हूँ आपका जन सरोकार मंच का कि मुझे आप सबसे बात करने का अवसर दिया, मुझे स्मरण रखा। तो अतुल जी, मेरा एक पहला ही प्रश्न ये होता है जुड़ते ही कि बड़ी जिज्ञासा रहती है और जानने की कोशिश रहती है कि क्यों नहीं लेखक से ही जाना जाए, उनकी कहानी उनकी जबानी। तो आपकी कहानी कुछ आपकी जबानी जानना चाहते हैं कि किस तरह आपने कितने पड़ाव कितनी यात्राएं पार करते करते आज यहाँ तक पहुंचे, तो उसके बारे में हमारे जानने की बड़ी इच्छा है, जिज्ञासा है। आशा जी, कहानी जैसा तो कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी उपलब्धियों की एक बहुत छोटी सी यात्रा है। लिखना शुरू किया मैंने 13 साल की उम्र में, और शुरू मुझे संस्कारों में साहित्य मिला था इसलिए लेखन अचानक शुरू हुआ। सायास कहीं शुरुआत नहीं थी। नानिहाल से एक यात्रा के दौरान आते हुए पहली तुकबंदी सी मैंने कुछ की थी। तो दरअसल मेरी माँ जो है प्रेमलता जैन, वो खुद हिंदी और राजस्थानी की एक सामर्थ्यवान कवियत्री है। 3 पुस्तकें उनकी प्रकाशित भी हैं। तो माँ की वजह से घर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। मेरे अंचल के साहित्यकार, चूंकि वो कवि सम्मेलनों में भी उस वक्त सक्रिय थी, तो मेरे अंचल के साहित्यकार भी आते थे, और शरद जोशी, के पी सक्सेना, मनुलाल शील जैसे बड़े लोग, मुकुट बिहारी जी, सरोज जैसे बड़े लोग उस दौर में हमारे यहाँ आए। और मैंने देखा शिव कुमार शर्मा, जो कुमार शिव के नाम से प्रसिद्ध थे, उनका लगातार आना था, उस वक्त कोटा में ही थे। और मैंने देखा कविता की लगातार चर्चा हुआ करती थी। तो मनुष्य अपने आसपास के वातावरण से, ये कहें कि जैसे प्रदूषण होता है और हम इनहेल करते हैं उस प्रदूषण को, तो उस तरह से मैंने साहित्य को इनहेल किया, साहित्य को अपनी सांसों के साथ अंदर लिया। तो ये 13 साल की उम्र थी। फिर धीरे धीरे तुकबंदी करता रहा, स्कूल में बोलता रहा। 15 साल की उम्र रही होगी मेरी जब मैंने पहला कवि सम्मेलन किया। हमारे कोटा शहर के एक बहुत बड़े कवि हैं जगदीश सोलंकी, हिंदी कवि सम्मेलनों का बहुत बड़ा नाम है, वो घर पे आया करते थे। तो एक कविता मैंने उस वक्त लिखी और तात्कालिक प्रसंगों पर उन्हें सुना, उन्होंने सुना मुझे, और एक कवि सम्मेलन में केकड़ी अपने साथ लेकर चले गए। तो 15-16 साल की उम्र में मेरा पहला कवि सम्मेलन था। कोटा में एक संस्था है, भारतेंदु समिति, उसमें बहुत सारे लोग, हर रविवार को कवि गोष्ठी होती थी, अब मुझे पता नहीं है कि होती है या नहीं होती। तो उसमें लगातार सारे लोग आते थे, और उस वक्त सारे जितने भी चर्चित नाम हुआ करते थे कोटा शहर के, वो उस कवि गोष्ठी में आया करते थे। तो इस तरह कवि गोष्ठियों में आना बड़ा। अब 16-17 साल की उम्र में अखबार में नाम आता था कि अतुल कनक ने भी कविता पढ़ी, या कभी किसी कविता की हेडलाइन होती थी। तो ये जो चीज थी, ये एक युवा मन को बहुत उत्साह दिया करती थी। और कवि सम्मेलन में जब आप जाते हैं और बहुत सारे लोग ताली बजाते हैं, फिर ऐसा हुआ एक बार कि दशहरा मैदान में मैं जा रहा था, तो कुछ लोगों ने रोक लिया, बोले अतुल कनक है ना। तो एक अच्छा सा लगा कि परिवार के साथ जा रहे लोग आ रहे हैं और आपको पहचान रहे हैं। तो ये भी हुआ कि आप अपने आप को बहुत 30 मार खां जैसा समझने लग गए थे कि हम बहुत 30 मार खां हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे उस तरह से लिखने का क्रम बढ़ा, फिर अखबारों की दुनिया की तरफ आए। पहले स्थानीय अखबार में, एक अखबार में स्तंभ लिखा। धीरे धीरे, उस वक्त तो ये कंप्यूटर हुआ नहीं करते थे, ईमेल हुआ नहीं करते थे, तो एक राइस पेपर हुआ करता था। उस राइस पेपर पर पेन से जमा जमा कर लिख के, और बाय पोस्ट उसके लिफाफे को भेजना, और उसके बाद उसके छपने की प्रतीक्षा करना। धीरे धीरे जनसत्ता, उस वक्त जयपुर से नवभारत टाइम्स छपता था, और ये जितने भी सारे अखबार थे, ये सारे के सारे अखबारों में छपा। शायद हिंदी की ऐसी कोई पत्रिका मुझे याद नहीं है, हो सकता है अपवाद स्वरूप को बड़े बोल भी नहीं बोलूंगा, लेकिन सबने मुझे छाप कर मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। फिर आया कि मैं अंग्रेजी माध्यम में तो लिखता था, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा था, लिखता नहीं था, कभी कोशिश भी की तो छपा नहीं। इस बीच में राजस्थानी भाषा में कवि सम्मेलनों की एक यात्रा के बीच में हुआ यह कि मेरे एक सम्मानी कवि ने मुझे सुनाकर, उस वक्त में वीरस की कविता पढ़ा करता था, और मेरे एक सम्मानी कवि ने मुझे सुनाकर दूसरे कवि से ये कहा कि हिंदी में तो 4 कविताएं लिखकर गला फाड़ कर चीख कर कोई भी अखिल भारतीय हो सकता है, राजस्थानी में लिखे तो जाने।
तो मुझे लगा, हालांकि मेरी माँ राजस्थानी में लिखती थी, तो लेकिन मेरे घर में राजस्थानी बोली नहीं जाती थी, मुझे लगा कि ये एक बड़ा क्षेत्र है जो मुझसे अछूता है, मुझे इसको भी कुछ देना चाहिए। तो मैंने राजस्थानी में लिखना शुरू किया और मुश्किल से 20-25 कविताएं लिखी होंगी। मेरी टेबल पर कविता लिखे कविताएं वो कच्चे कागज पर लिखी हुई रखी थी। नीता बनर्जी एक रचनाकार हैं, अनुवादक हैं, साहित्य अकादमी के लिए भी अनुवाद करती हैं, मैं उन्हें मौसी कहता हूँ अभी भी। तो वो जब मेरे घर आई, उन्होंने कविता देखी तो पूछा, अतुल ये किसने लिखी है? तो मैं हंस दिया, बोले तू राजस्थानी में भी लिखता है? तब तक किसी को ये पता नहीं था। मैंने कहा मौसी आपने देख ही लिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो उसमें से कुछ कविताएं बोली, मैं अनुवाद के लिए लेके जा रही हूँ अपने साथ, कुछ कविताएं ले गई। और जब मैंने केवल 20 या 25 कविताएं लिखी थी, उन्होंने उस अनुवाद को भेजा साहित्य अकादमी दिल्ली की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य में, और दो कविताएं अनुवाद के साथ उसमें छपी। उन दोनों कविताओं को जागती ज्योत के संपादक ने, तत्कालीन संपादक ने पढ़ा और उन्होंने मुझसे दो मूल कविताएं मांग ली। फिर उन दोनों कविताओं और साहित्य अकादमी की पत्रिका की कविताओं को नंद भारद्वाज जी ने पढ़ा, वो उस वक्त जयपुर दूरदर्शन के डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने मिमझर कार्यक्रम के लिए मुझे बुला लिया और इस तरह 25-30 कविताओं के साथ मैं राजस्थानी की कविताएं लिखने लगा और धीरे धीरे यात्रा बढ़ी। फिर यह हुआ कि बेटी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ती थी, यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया का जो लोकल परिशिष्ट छपता है उसके लिए मुझसे लेख वेख मांगे गए और मैंने उनमें लिखना शुरू किया, और अंग्रेजी में भी लिखने की एक रवानी बढ़ी। तो हिंदी, राजस्थानी और अंग्रेजी तीनों में मैं लगातार लिखने लगा, और सौभाग्य से अंग्रेजी के भी हिंदू जैसे अखबारों से लेकर बाकी सब अखबारों में छपता रहा। तो लेखन की एक छोटी सी यात्रा रही। इस बीच में जुड़ जात्रा नामक एक उपन्यास प्रसंग चलेगा, तब बताऊंगा कि वो किस तरह से लिखना हुआ। नदियों की पीड़ा को लेकर एक उपन्यास लिखा, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन राजस्थानी साहित्य जगत ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। और अभी भी मैं कहते हुए रोमांचित, जब कभी इस प्रसंग को सुनाता हूँ तो रोमांचित होता हूँ। एक दिन मेरे पास विज्जी का फोन आया, विजय दानदेता जी का जी लैंडलाइन फोन हुआ करता था उस जमाने में। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उधर फोन मैंने ही उठाया। उन्होंने कहा, अतुल कनक से बात हो सकती है? मैंने कहा, जी बोल रहा हूँ, नमस्कार मोदी जी। तो मैंने कहा, मैं बोल रहा हूँ। तो विजी ने कहा कि अरे छोरे, तने क्या लिख दिया? मैं जून यात्रा पढ़ रहा हूँ। आप विश्वास करेंगे, मैं लिटरली ऐसा लगा कि जैसे कांप रहा हूं किसी बुजुर्ग के सामने। मैंने कहा, क्या हुआ? क्योंकि विज्जी के बारे में मशहूर था कि अगर उन्हें कोई किताब पसंद नहीं आती थी तो ये कहते थे कि इस उम्र में मेरे 2 या 2.5 घंटे खराब करके तुझे शर्म नहीं आई? तो मुझे लगा कि अब पढ़ने वाली है डांट। तो विज्जी ने कहा कि बेटा, तेने क्या लिख दिया रही है? कुछ भी तो नहीं छोड़ा, वांग्मय, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, सारी चीजें तेरी इस किताब में आ गई। तू हमारे हिस्से की, मेरे हिस्से की भी उम्र ले ले अगर ऐसा ही लिखता रहे तो। मैंने कहा, दादाजी हम तो ये दुआ करते हैं कि हमारे हिस्से की उम्र आपको लग जाए। तो विजी बोले कि अरे ये उम्र तो कौन किसी की लेता देता है, ये तो बात करने का एक तरीका है, लेकिन तेरी पीढ़ी अगर ऐसा ही लिखती रहेगी तो हमारी पीढ़ी शांति से जा सकेगी। तो विजी का ये आशीर्वाद आज भी मुझे रोमांचित करता है, और मुझे लगता है कि जुड़ यात्रा पर जो उपलब्ध हुआ उसमें मैं सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज लिखूं तो ये विच्ची का आशीर्वाद ही। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि अगर विजयदान देथा जी का आपको आशीर्वाद मिल गया, और शायद आपकी पहली किताब थी क्या? पहली थी ना ना ना, मेरी राजस्थानी पहली की? किताब थी जी पूर्णिमा नाम का गीत संग्रह, नवगीत नहीं, संग्रह था। राजस्थानी की, राजस्थानी की, राजस्थानी। राजस्थानी में मेरी पहली कविताओं की किताब थी, 2005 में छपी थी, म्हारी कविताओं। और क्षमा अच्छा, चाहता हूँ, आओ बातां करें। आओ बात है जी। तो उनका अगर जून यात्रा पे उपन्यास था ना, जून यात्रा आपका, जी उपन्यास था ना जून यात्रा? यात्रा उपन्यास है, नदी की पीड़ाओं को लेकर लिखा गया है। और जी 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 मैं ये मानता हूं कि हम अच्छा लिखने वाले कोई होते नहीं है, कोई हाँ, कोई शक्ति है जो हमसे नहीं लिखवा लेती
कोई प्रेरणा है तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन हम इस बात को भी नहीं छुटला सकते कि आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना ग्रहण करते हैं और आप फिर कितना आप उसको वापस निस्तारण करते हैं, आप कितना देते हैं, आप दे पढ़ है ना, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं वो फैक्ट भी काम करता है कि आपने पढ़ा कितना है, क्योंकि मन से कोई कितना लिख पाएगा, नदी के कल्पना अंदर कोई कितनी। जी कुएं में बाल्टी डालेंगे कोई, तो जो पानी है वो तो कुएं ही देगा जितना उसके अंदर है। तो वो जिस अदृश्य शक्ति की या जिस अदृश्य प्रेरणा की मैं बात कर रहा था, वो तो मुझे लगता है केवल प्रेरणा देती है, प्रेरणा उसके बाद देती जो कुछ है, आपके अंदर है वही। बिल्कुल, मैं भी यही कहने जा रही हूँ कि वो आपको एक प्रेरणा देती है, आपको एक रास्ता दिखाती है, एक मार्गदर्शन करती है, आप उस पे कितना कार्य करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आप में कितनी निष्ठा है, आप में कितनी लगन है, आप तभी परिपक्व हो पाते हैं, नहीं तो शायद नहीं हो पाता है। ये तो बहुत बधाई के पात्र हैं आपकी बीजी को, आपका आपको बीजी का आशीर्वाद मिला, और उसके साथ ही जून यात्रा निश्चित रूप से राजस्थानी में उपन्यास लिखना, क्योंकि आप कह रहे थे कि कुछ समय पहले तो आप पे किसी ने व्यंग किया कि राजस्थानी में लिखे, तो मतलब बात हो, हिंदी में तो कोई भी लिख लेता है, तो ये शायद कहीं ना कहीं उस अदृश्य शक्ति ने इस रूप में आपके साथ, बिल्कुल हो सकता है कि आदमी इसका बुरा भी मान सकता था, लेकिन आपने बजाय उसको बुरा मानने के उस चीज को समझा कि बिल्कुल मुझे इस और भी ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज है कि हम कई बार बुराई में भी जब हम अच्छाई खोज लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी यात्रा सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है, और हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, और अब तक आपकी कितनी पुस्तकें हो चुकी है कुल मिलाकर? 10 पुस्तकें तो मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। जी, दस हिंदी पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। राजस्थानी की 3 हैं, कुल 10 पुस्तकें मेरी प्रकाशित, राजस्थानी की 5 हैं, कुल 10 पुस्तकें हैं। इसके अलावा 4 पुस्तकें प्रकाशक के पास हैं, लंबे कोरोना टाइम के पहले से, वो जब भी लेकर आएंगे। और अभी एक अच्छा उपन्यास, वो भी राजस्थानी में ही है, लक्ष्मण पर है, वो आधा मैं पूरा कर पाया हूँ। आधा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कथा कहाँ तक जाएगी पता नहीं है, 200 पेज हो चुके हैं, अब ये जहां तक भी जाए कथा। तो प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 10 है जी, और साथ में आपके 10,000 से अधिक फुटकर लेख भी हैं, तो उनको अगर पुस्तक का रूप दिया जाए तो कितनी पुस्तकें बन सकती हैं, उसको भी उसमें शामिल किया जाए। 200 पेज की भी जी ना, तो कुछ लेख तो समय के साथ खत्म हो जाते हैं जो तात्कालिक विषयों पर होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे लेखन से बचूं जो तात्कालिकता वाला हो। फिर भी व्यंग वगैरह तात्कालिक बहुत सारे होते हैं, पर मुझे लगता है अब मेरे साथ तो बहुत मुश्किल होने लगी है। पिछले दिनों मैं अपनी डायरी देख रहा था, मैं रोज लिखता हूँ, शायद आपको पता हो, ट्विटर पर, और पिछले 10 सालों से ये हो रहा है कि जब अब मैं ये नहीं कहता कि मैं लिखता हूं, पर ये होता है कि जैसे जैसे जन्माष्टमी आने लगती है उसके 1 महीने पहले से मैं राधा कृष्ण प्रसंग पर कविताएं लिखता हूँ। ये कविताएं होती हैं 10 सालों से, लेकिन मैंने डायरी देखी तो 2019 के बाद मैंने डायरी में कोई कविता ही नहीं उतारी थी, कुछ लिखा ही नहीं था, सब इस पे। आजकल चूंकि मोबाइल हाथ में है, आप कुछ भी टाइप कर देते हैं या फेसबुक पर सीधे लिख देते हैं, तो अब मुझे पता नहीं है कि कितनी किताबें तैयार हो पाएंगी। लेकिन एक रोचक प्रसंग जी, प्लीज, आप 10,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है, उसमें तत्कालिक निकालेंगे, समसामयिक निकालेंगे, तब भी कितना निकालेंगे। और उसके अलावा मेरा ये मानना है कि जो समय है उसके, आपने अपने समय पर नहीं लिखा तो आने वाली पीढ़ी ये कैसे जानेगी कि आपका समय क्या था, तो समय पर भी लिख लेना। बिल्कुल, सामयिक लेखन की ये एक वो होती है कि हमारी लेखन हमारे समय से कितना प्रभावित रहा। लेकिन फिर वही बात जो हम प्रोग्राम के पहले कर रहे थे आपस में, कि जब तक वो लोक के काम का नहीं है, मान लीजिए कि मैंने स्काई लैब गिरने पर लिखा, 80 में एक स्काई लैब गिरा था और उस पर बहुत सारा कुछ लिखा गया जी, था। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बड़ा बहुत डराया था उसने लोगों को, बहुत डराया था। जी 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 जी, हेलो दीप्ति, कैसे हो?
तो अगर मैंने स्काईलैब गिरने पर लिखा तो वो अब समय के साथ खत्म हो गया, तो उसे पुस्तक में संकलित करने का मोह एक लेखक होने के नाते भले ही हो जाए, तो इस तरह फिर भी हाँ नहीं वो, अब मैं इसी बात से मैं अपनी बात एक बार कह दूं कि स्काईलैब गिरा तो उस पर निश्चित रूप से हमारे दिलो दिमाग पे उस समय क्या गुजरी होगी आपने ये भी लिखा होगा, या उसको किस तरह से गिराया गया ये भी लिखा होगा, कहाँ उतारा गया, कहाँ गिराया गया, या उसके पीछे कितनी एक सोच, कितना दिमाग, कितनी ऊहापोह सब कुछ चली हमारे नहीं पूरे विश्व के अंदर, तो विश्व की उस समय क्या स्थिति रही, हमारे जनमानस की उस समय क्या स्थिति रही, हमारे भय की क्या स्थिति रही, हमारी कल्पनाओं की क्या स्थिति रही, निश्चित रूप से वो आने वाली पीढ़ियों को हमारे जो समय है हमारा उसका एक परिचय देता है। तो ये उस लगता है कि ये तात्कालिक लेखन की ये एक महत्वपूर्ण चीज होती है, और मनोवैज्ञानिक पक्ष अगर उसमें हो पाए, अगर हम उस डर को लिख पाए अच्छी तरीके से, हालांकि मैंने इसका लेख पर लिखा नहीं तो उस वक्त मैं बहुत छोटा था, पर वो घटना मेरे स्मरण में रह गई इसलिए मैंने अभी वो दिया। तो अगर मनोवैज्ञानिक पक्ष, सामाजिक पक्ष अपने लेखन में कहीं ना कहीं सम्मिलित कर पाए तो निश्चित रूप से समय उनको रेखांकित करेगा। जी, स्काइप लेप को लेके हम खुद बहुत डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे हम, मैं 10 साल की बच्ची थी उस समय, तो हमें ये लगता था गेहूं के जो ड्रम है उसके गेहूं खाली कर दे और हम उसमें छुप जाएं। तो ये स्थिति जी मन की ये स्थितियां भी रही थी, जो कच्चे उम्र के बच्चे थे उनको इस तरह का भी डर था। तो ये भी समय का लेखन भी आगे जाए तो निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। तो आप कविताएं लिखते हैं, कहानियां भी, आप उपन्यास भी लिख रहे हैं, आप व्यंग्य भी लिखते हैं, और लेख और आलेख तो आपके निरंतर चल ही रहे हैं, और इसके लिए आपको कई संस्थाओं से, कई जगह से आप सम्मानित हो चुके हैं। तो जब आपको आपके लेखन पर कोई आपका मूल्यांकन करता है, आपको आंकता है और उसका कुछ प्रतिफल आपको मिलता है तो कैसा लगता है? ये कहूं कि अशोक जी नमस्कार, कि मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं बेईमान। आपका किया कोई सा भी काम, आप अगर गाड़ी भी साफ करते हो और पड़ोसी ने आकर कह दिया कि ये गाड़ी आप बहुत अच्छी धो रहे हो, तो आपको अच्छा लगता है। तो प्रशंसा तो मानव की एक कमजोरी है, तो अगर कोई भी किसी भी तरीके से प्रशंसा करता है, लेकिन अच्छा नहीं, कमजोरी है या ताकत, पहले तो ये बताओ कमजोरी है या ताकत। मुझे लगता है कि हमारी कमजोरियां ही हमारी ताकत में परिवर्तित होती है जी, और हमारी ताकत का गुमान हमारी कमजोरी बन जाता है। अगर हम ताकत को लेकर गुमान में है, किसी बदगुमानी में है, तो हमारी कमजोरी बन जाता है, तो दोनों वाइस वर्सा चलते हैं। तो मैं इस तरह से मानता हूं। तो लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे को, मुझे अभी भी इस स्थिति में भी अगर मैंने कुछ सुनाया और कह देते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा नहीं हो पाया, मेरे आत्मी हैं, मित्र हैं, छोटे भाई हैं, डॉक्टर ओम नागर, राजस्थानी के जाने माने कवि थे, कवि हैं, अभी मुंबई रहते हैं, मेरी अपनी पत्नी, उनकी भी 2 किताबें छप चुकी हैं, मेरी बेटी, अब तो वो भी मुंबई जाके रहने लगी है, लेकिन मैं जब इनको कुछ सुनाता हूँ और इनको अच्छा नहीं लगता तो सीधे कहते हैं कि इस कागज को मजे नहीं आए, या फिर बेटी तो ये कहती है कि इस कागज को बदल दो, अब दूसरे कागज पर लिखो इसको, इस विषय पर। तो दीप्ति, आई एम ऑल्सो लकी to have you on this broadcast. तो अच्छा तो लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये लोगों का बड़प्पन है जो सराह देते हैं, और वो जो उनकी सराहना है वो ही मुझे ताकत देता है। तो मैं इस तरह की चुनौतियों को स्वीकार करता रहता हूं, और मैंने अभी कहा कि किसी ने मुझे चुनौती दी कि राजस्थानी में लिखे, मैं पूरी श्रद्धा पूर्वक कहता हूं कि मेरे मन में उनके प्रति यह श्रद्धा नहीं है, अगर वो ये ताना नहीं मारते तो शायद मेरे मन में राजस्थानी में लिखने के प्रति रुचि नहीं जागती, तो वो जो अदृश्य से चलता हुआ क्षण है वो केवल उसके सार्थवाह बने, उनके अपने मन में कोई इस तरह का कलुष रहा होगा ये मैं नहीं मानता। तो जो व्यक्ति मेरे सम्मुख चुनौती उपस्थित करता है मैं उसके प्रति पूरी सम्मान से भरा रहता हूं, और जो कहीं प्रशंसा कर देता है ये तो उसका बड़प्पन है, तो ये तो नेचुरली मुझे उसके प्रति आभारी रहना ही होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, एक आपका उपन्यास आया था अंतिम तीर्थंकर, बहुत चर्चा में भी रहा, और उन दिनों एक सबसे उससे भी ज्यादा चर्चा ये रही थी कि वो 65 दिन तक आपने जो
अंजल ग्रहण नहीं किया था, उसके बारे में वो इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना हौसला और ऐसा जज्बा आपके भीतर कहाँ से आया, ये जरूर हम जानना चाहेंगे। क्या आशा अनुभव जी, रहे? 65 दिन नहीं, 550 दिन मैंने अन्न त्याग, भोजन त्याग दिया। अच्छा, 550 दिन? ओहो, 550 दिन? 550 जी मैंने जी भोजन का जी त्याग कर दिया था। दरअसल वर्धमान महावीर मेरे मस्तिष्क में लंबे समय से इस पर दोलन कर रहे थे, उनकी विचारधाराएं, उनकी शिक्षा, उनका जीवन, और 6ी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। विशेषकर हमें ये देखना होगा कि उस दौर में न केवल वर्धमान थे, गौतम बुद्ध भी थे, और इस तरह से 6 अलग अलग मौखली पुत्र गोशाल भी थे, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग समुदायों के प्रवर्तक थे। जैन मत तो उनके महावीर स्वामी तो अंतिम थे तीर्थंकर। तो मेरे दिमाग में सारी चीजें चल रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से मेरे वो जो विचार मन में थे वो कागज पर नहीं आ पा रहे थे। तो मैं तो हठ योगी हूं, कई बार इस तरह के संकल्प ले लेता हूं, जैसे नवरात्रा, दोनों नवरात्रा में मौन के साथ व्यतीत करता हूं। तो हुआ ये कि जब कागज पर नहीं आ पा रहा था मेरे विचार, मेरे भाव, तो मैंने ये कहा कि मैं खाना छोड़ देता हूं, जब तक ये कागज पर नहीं उतरेगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। 8 दिन बीते, 7 8 दिन, 10 दिन बीते होंगे, और कागज पर उस उपन्यास की शुरुआत हुई। मैंने 2 या 3 पेज पहली बार लिखे, और उसकी भाषा इतनी प्रांजल आई, इतनी पवित्र भाषा थी, कि मुझे लगा कि ये तो लिखने वाला मैं हो ही नहीं सकता। ये जो अंदर से भूखा रहने के कारण तड़प पैदा हो रही है ना महावीर को जानने की, ये तड़प मुझसे वो भाषा लिखवा रही है। तो मैंने अपने संकल्प को बढ़ाकर ये कर दिया कि जब तक ये उपन्यास पूरा नहीं होगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अब आमतौर पर हम सोचते हैं कि 100 125 पेज का हमारा उपन्यास होगा, लेकिन ये उपन्यास लगभग 300 पृष्ठ का हुआ, और इसके पूरा होने में 550 दिन मुझे लगे। इसके ओहो, बाद इस बीच में हुआ ये भी, क्योंकि शरीर है, सब तरह के विटामिन, सब तरह के केमिकल्स मांगता है। तो एक रात को ऐसा हुआ, उस वक्त इंडिया टुडे के वार्षिक अंक के लिए मुझसे कविता मांगी, तो मैं वही जमीन पर बैठकर, आमतौर पर मैं डेस्कटॉप पर काम करता हूं, लेकिन उस दिन जमीन पर ही बैठकर और मैं लैपटॉप पर काम किया, कविताएं भेजी, और उसके बाद मैंने उस लैपटॉप को एक तरफ सरकाया और माँ के पलंग के नीचे फर्श पर ही सो गया। सुबह 4:30 के आसपास जब नींद खुली तो मैं उठ नहीं पाया, अपने पाओं पर खड़ा नहीं हो पाया। मैंने खूब कोशिश की, फिर मैं बैठ गया, जहां था वहीं पे बैठा रहा। जब पत्नी की नींद खुली तो उसने मुझसे इशारे से पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। तब तक माँ भी जग गई, दोनों ने कोशिश की कि मुझे किसी तरह खड़ा करें, मैं नहीं खड़ा हो पाया। फिर मैंने पूरी ताकत लगाई, किसी तरह से खड़ा हुआ खिड़कियों और उन लोगों के सहारे से, और खड़े होते ही मैं गिर गया। मुझे लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे लकवा या पैरालिसिस हो गया हो, पांव वजन नहीं ले पा रहे। कोशिश की पर किसी भी तरह से नहीं हुआ। मेरे जियाजी जो कोरोना की दूसरी लहर में चले गए ईश्वर को, ईश्वर के पास, वो मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने रीढ़ भीड़ की हड्डी के बहुत सारे टेस्ट लिखे, लेकिन अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि शरीर में पोटेशियम बढ़ गया था, सोडियम की कमी हो गई थी, इस तरह से जो कहते हैं केमिकल लोचा हो गया था। तो उस केमिकल लोचे का मैं शिकार हो गया। बहरहाल बुजुर्गों के आशीर्वाद से ठीक हो गया वो सारा का सारा। तो ये एक वो प्रसंग उससे जुड़ा हुआ है जो प्रसंग कपा देता है। सोचता हूँ कि कुछ हो जाता तो परिवार को कौन संभालता है, एक बेटी है, माँ है और पत्नी है। हाँ, लेकिन प्रभु की कृपा से वो बीमारी पे भी मैंने काबू पा लिया। एक और उपन्यास का मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा, एक राजस्थानी का उपन्यास मेरा, छेकड़ लो रास। छेकड़ लो कहते हैं अंतिम, इस शीर्षक का अंत हुआ अंतिम, अर्थ हुआ अंतिम रास। ये कृष्ण के जीवन को लेकर लिखा गया उपन्यास है, और इस उपन्यास का प्रस्थान बिंदु यह चिंतन है कि कृष्ण ने अपने अंतिम समय में सोचा होगा तो किस बारे में सोचा होगा, क्या याद किया होगा। इस प्रसंग को मैं थोड़ा सा और पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा। मेरे एक ही बेटी है, तो मुझ पर आप जानते हैं कि भारतीय परिवारों में ऐसा होता है कि एक बेटा तो होना चाहिए, कहावत भी है, एक पुत्र को काहे पोते का कन्हैया।
बिल्कुल बिल्कुल तो मुझ पर, मुझे तो सीधा सीधा नहीं कहा जाता था, मेरी पत्नी पर इस तरह का दबाव था, हालांकि माँ मेरे साथ थी। एक दिन मेरे एक निकट रिश्तेदार ने कहा कि एक बेटा तो होना चाहिए। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले वंश का नाम आगे चलेगा। मैंने कहा मुझे मेरे दादाजी के दादाजी का नाम पता, उसके बाद मुझे पता नहीं है कि मैं किस खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाऊं, किसकी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूं, तो ऐसे वंश चलने से क्या है। फिर मैंने कहा कि अगर बेटे से ही वंश चलता, बेटा होना ही वंश की यश की गारंटी होता, तो धृतराष्ट्र के तो 100 पुत्र थे, उनकी आंखों के सारे सामने सारा कुनबा पैदा हो गया। तो मेरे उन रिश्तेदार ने मुझसे कहा कि वो तो धृतराष्ट्र कौरव थे ना, पापी थे, इसलिए उनका कुनबा खत्म हो गया। अब देखिए मैं जिस प्रेरणा की बात करता हूं, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन अचानक मेरे मुंह से निकला कृष्ण के भी तो 80 बेटे थे, कुनबा तो उनका भी उनकी आंखों के सामने खत्म हो गया। बिल्कुल तो मेरे उन रिश्तेदार ने तो ये कहा कि तुम तो कुतर्क करते हो। लेकिन ये कहने के बाद रात को जब मैं बेडरूम में गया, तो मैंने कहा, मेरे मन में ये विचार आया कि जिस महापुरुष ने अपनी बुआ के कुनबे को बचाने के लिए इतने सारे योग किए, इतने सारे प्रपंच किए, इतने सारे छलावे किए, इतनी सारी क्रियाएं की, लीलाएं की, क्या वो अपने कुनबे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे? गांधारी के श्राप के बाद उनके पास समय था खूब सारा, और क्या कृष्ण को अपने पोते, सड़ पोते, लकड़ पोतों के खत्म होने का दुख नहीं होगा, दुख नहीं हुआ होगा? और यदि उनको दुख हुआ, मानव थे, दुख तो होना स्वाभाविक था, यदि दुख हुआ तो वो क्या था जो उन्होंने गीता में कहा था, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इन सारी विचारों से लड़ते 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 मैं सोया, और सुबह इस उपन्यास की प्रस्तावना बनी कि कृष्ण ने अपने आखिरी समय में किस बात को याद किया होगा। कुछ चीजें और मैं साझा करना चाहता हूं कृष्ण को। दरअसल हमने बहुत सारे लोग अपने अपने कृष्ण इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि हम उन्हें अपने रूप में पूजे, अपनी बिल्कुल इच्छा के अनुसार पूजे। कृष्ण को बालक रूप में भी पूजते हैं, उन्हें लीलाधर के रूप में भी पूजते हैं, और उन्हें युगंधर के रूप में भी पूजते हैं। लेकिन भागवत पर अगर हम भरोसा करें तो कृष्ण ने 13 साल की उम्र में गोकुल छोड़ दिया था, और उसके बाद वो राधा से कभी मिले नहीं। अब 13 साल की उम्र का लड़का किस तरह की प्रणय लीलाएं करेगा, या किस तरह से प्रणय निवेदन करेगा कि हमारे चित्रकारों ने, हमारे कवियों ने, हमारे रचनाकारों ने राधा कृष्ण प्रसंग पर इतना अद्भुत साहित्य रच दिया। तो अंतिम समय में कृष्ण को क्या अर्जुन याद आया, द्रौपदी याद आई, राधा याद आई, या इन सारी चीजों को मिलाकर कुछ याद आया? क्योंकि आज्ञा एक जगह कहते हैं कि अंतिम समय में व्यक्ति को अपने किए गए पुण्य नहीं, पाप करने के छोड़े गए अवसर याद आते हैं। तो इन सारी अच्छा चीजों से, ये अज्ञेय ने एक उपन्यास में लिखा है, तो इन सारी चीजों से लड़ते लड़ते छिकल दो रास नाम का ये उपन्यास मेरा पूरा हुआ। तो कृष्ण जी पे जैसे आपने कहा कि हर जन्माष्टमी पे स्वतः ही कविताएं बन जाती हैं या लिख जाती हैं, तो कौन से जन्माष्टमी के एक आपको महीने आ, पहले आ, से आपके जी भीतर कौन से भाव आते हैं कृष्ण को लेके, कौन सा, किस तरह का अनुराग उत्पन्न होता है या किस तरह मैंने के कहा भाव में आप राधा सुनने कृष्ण के? प्रसंग, एक इतना पवित्र प्रेम आप देखिए कि जिसमें पाने की कोई जिद नहीं। 13 साल की उम्र कम हो, ठीक है, किशोर अवस्था की शुरुआत है, लेकिन उस अवस्था का, और राधा कृष्ण से 5 साल बड़ी थी। सारे हमारे शास्त्र कहते हैं राधा कृष्ण से उस उम्र में पाने की कोई जिद नहीं थी उनमें। राधा के मन में भी कृष्ण को पाने की जिद नहीं थी। सूर को आप पढ़िए, ऊधो मन न हुए 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम स का आराधे इस। तो न गोपियों के मन में कृष्ण को पाने की जिद थी, क्योंकि जिस हद तक उन्होंने उस वक्त पा लिया था, उससे ज्यादा वो उन्हें पा नहीं सकते थे। हम जब किसी को पाने की जिद करते हैं तो उसे खोने के प्रस्ताव की शुरुआत कर देते हैं। जी आपका बिल्कुल प्रेम बिल्कुल यदि इस हद तक गहरा है कि वो जहां जिस रूप में जैसे है आप उसको उस रूप में स्वीकार कर लें और उसको अपना पाल मान लें। कृष्ण मथुरा में है तब भी गोकुलवासियों के लिए वो उनके अपने हैं, वो जहां हैं जैसे हैं खुश रहे, लेकिन हमारे लिए वो हैं, वो हमारे पास बैठे हैं। तो जो प्रेम का अद्भुत रूप था, पूरी दुनिया के साहित्य में इस तरह का रूप नहीं मिलता। पाने की जिद मिलती है वहां पर यहां छोड़कर भी पाने की खुशी है,
तो ये रूप मुझे ज्यादा प्रभावित करता और यही कविताओं में होता जी। तो कृष्ण जी पे या आपकी पसंद की कोई भी कविता, जरूर एक कविता सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल के जी, और बहुत सारे श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आप इसी तरह जुड़े रहें अपने स्नेह और प्रेम के साथ, ताकि हमारी ये यात्रा अनवरत जारी रह सके। मैं सबका आभारी हूँ जो भी जुड़े हैं। ये एक कविता है 6 सितंबर 2021 की जी। फेसबुक क्या करता है कि मेमोरीज के रूप में हमें बहुत सारी चीजें दे देता है, तो मैं आजकल स्क्रीनशॉट लेने लग गया हूँ। मैंने बताया कि मैं डायरी में तो लिख नहीं पाता उन चीजों को। जी जी। अलौकिक है दुनिया तुम्हारे साथ के दम पर, तुम साथ हो तो समस्त व्याकरण सिमट जाते हैं मौन में। जानती हूं समय की यात्रा में क्षरित होगा यह सुख, लेकिन मेरे प्रेम को कौन छीन सकेगा मुझसे। क्या बात, सुनो कृष्ण, राधा से दूर संभव नहीं अब तुम्हारे लिए होना। देह ही परे जा सकती है केवल, और तुम तो विदेह होकर समाये हो मुझ में। जब नहीं रहेगी सृष्टि में किसी हवा की हलचल, तब भी मुझ में सांस लोगे तुम अनवरत। प्रेम अनश्वर है कृष्ण, उसे न जलाया जा सकता है, न काटा ही जा सकता है किसी हथियार से। एक और कविता 5 सितंबर 2016 की जी, स्वागत। जहां वही राधा कृष्ण संवाद है, जहां रूप का भान न तुम्हें शेष हो न मुझे, जहां न कामनाओं की किलेबंदी हो और न देह की, जहां न मैं होकर भी सिर्फ मैं न रह जाऊं, जहां तुम होकर भी सिर्फ तुम न रहो। संसार का सुख भी हमारा हो, सबके दुख भी हमारे हो, हमारा ही हो सारा आकाश, समुद्र भी हमारा हो, और इसके बावजूद कुछ भी अधिशेष नहीं रहे हमारा। आओ चलें कि हम अस्तित्व के उसी सोपान तक चले राधा, जहां हम ही नहीं हो और फिर भी हम ही हम हो अथाह निर्वात में, कि हम चलें उस मोड़ तक जहां हमें छूने के लिए अपने ही रास्ते से मुड़ जाए कोई नदी। क्या बात है, बहुत सुंदर भाव, अति सुंदर। देखिए, ये एक जो भावना होती है किसी के प्रति आपकी, एक लगाव, एक जुड़ाव, एक आस्था, वो आपसे पता नहीं उनकी बातें भी उगलवा लेती हैं। कई बार ऐसे लगता है कि कईयों को पढ़ के ऐसे लगता है कि साक्षात जैसे राधा कृष्ण खुद ही उतर आए हो और वही बात कर रहे हो, जैसे अभी आपकी कविता में भी यही एहसास हुआ कि हम लिखते ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कहता हूँ, हमें अपने पात्र के साथ जब तक एकात्म महसूस नहीं हो हम लिख ही नहीं पाएंगे, ईमानदारी से नहीं लिख पाएंगे। जिसे अंग्रेजी में क्रिएशन कहते हैं, अंग्रेजी में दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं, कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन। हम निर्माण तो कर सकते हैं, पर सृजन तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारी अनुभूति ईमानदार नहीं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ईमानदारी में कहता हूँ कि ईमानदार बनो तो हमें दुनिया के प्रति ईमानदार रहने की कोई जरूरत भी नहीं है। अशोक जी, आभार अशोक जी, हमें दुनिया के प्रति ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं है। हम केवल अपने आप के प्रति ईमानदार हो जाएं तो शायद ईमानदारी का ये चरम और परम क्षण होगा। आईने के सामने जब हम खड़े हों तो हमें अपने आप से आंखें नहीं चुरानी पड़े। ये मेरे लिए ईमानदारी का वो है। जब हम इतनी ईमानदारी से जो महसूस हो रहा है वो लिखते हैं, बस वही ईमानदारी है। बिल्कुल, दुनिया के प्रति जो आप ईमानदारी का भाव दिखाते हैं वो एक दिखावा हो सकता है, वो एक छलावा हो सकता है, वो एक मतलब ऐसा रूप हो सकता है जो आपके साथ छल कर रहा हो, लेकिन जो अगर आपके खुद के भीतर के साथ अपने अंतःकरण के साथ कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसे ईमानदारी साबित करनी नहीं पड़ेगी। उसके हर भाव के हर अभाव में या उसकी हर व्यंजना में या उसके हर अर्थ में ईमानदारी ही निकल के आएगी। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो आपने अभी कुछ बात करते हुए बताया था कि आप ज्योतिषी
में भी आपका विश्वास और रुचि है, तो जी एक ये कैसे आपकी उसके प्रति कैसे रुझान हुआ, कैसे झुकाव हुआ आपका? मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, यह कह लीजिए कि अपने जवानी के शुरुआती दिनों में ज्योतिष पे, आध्यात्म पर बहुत सारा, जी सुनाएंगे मधु जी, बहुत जी, सारा जी, बिल्कुल, विश्वास नहीं करता जी। लेकिन मतलब मेरी स्थिति यह थी कि कोई ये कहता था कि प्रसाद है तो मैं अपने हाथ पीछे कर लेता था, मुझे नहीं खाना। ये मेरे अंदर का एक विद्रोह था उस वक्त शायद, या कोई विद्रोह ही वो था चेतना मेरे अंदर। नहीं, आपके फिर ये अंदर हुआ कि मुझे एक एक मिनट यहाँ टोक रही हूँ मैं आपको, कि आपके अंदर ये भाव थे या इस तरह के लोगों के साथ आप उठते बैठते थे उन दिनों, जो जिनका व्यवहार, जिनकी शैली इस तरह की रही हो? मुमकिन है, मुमकिन है, लेकिन मैं उस वक्त विद्रोही प्रकृति का भी था। आज का अतुल कनक, अगर उस अतुल कनक को याद करे जो अपने टीन एज में था, तो वो बहुत अंतर नजर आएगा। और मुझे लगता है कि वो जो हम कहते हैं कि एक प्रवृत्ति की जब अति होती है तो दूसरी तरफ जाने की ओर यात्रा शुरुआत का क्षण होता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम एक दिशा में जब अब सर्वोच्च उस पर चला जाएगा सोपान पे, तो दूसरी तरफ जाना शुरू कर देगा। तो मैं ये मानता हूं, जब जैसे मैं राजस्थानी में लिखता हूँ, राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात करता हूँ, तो जब मुझसे कोई ये कहता है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, तो मैं उससे ये कहता हूँ, क्या आप राजस्थान की बात करके मुझे ये बात कह सकते हैं? अगर आप राजस्थानी में बोलेंगे तो मैं आपकी बात को सुन लूंगा, वरना मैं ये मानूंगा कि आपको राजस्थानी नहीं आती इसलिए आप राजस्थानी की मान्यता का विरोध करते हैं। ठीक इसी तरीके से, चूंकि मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, तो जब कोई अंग्रेजी के लिखने का विरोध करता है या अंग्रेजी भाषा के साहित्य का विरोध करता है, तो मैं कहता हूँ अंग्रेजी में मुझसे बात करो, तब मैं इसको आगे समझूंगा। आपको बहुत सारी उनकी पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। सबसे पहले तो इनकी पूर्व्या हिंदी नवगीत संग्रह है, फिर उसके बाद है आओ पाटांकरा, राजस्थानी काव्य संग्रह है आपका, और मगन धूल प्रतिस्पर्धा, ये प्रतिभा सत्पथी जी की उड़िया कविताओं का राजस्थानी में अनुवाद है, और एक इनका व्यंग्य संग्रह है चलो चूना लगाएं, तो उसके टाइटल से ही आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह के हास परिहास के साथ व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने अपनी बात कही होगी। फिर इनका उपन्यास जून जात्रा, जो राजस्थानी का उपन्यास है जिसमें पानी को लेकर इन्होंने बात कही है, और उसके बाद है छह कड़ लो, जिसकी चर्चा वो यहाँ पर कर चुके हैं। फिर राजस्थानी भाषा को मध्यकाल की आलोचना भी इनकी एक आ चुकी है पुस्तक। फिर हेमाड़ी, रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास चोखेर बालिका अपने राजस्थानी में अनुवाद किया है, उसके साथ ही साथ आपने प्रेम में कभी कभी इनकी हिंदी कविताओं का संग्रह है जो कि आ चुका है। और फिर इन्होंने, जैसे अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि जो इन्होंने 550 दिन तक बिना खाना खाए जिस किताब की रचना की थी वो है अंतिम तीर्थंकर, तो इनका जो एक इस उपन्यास को लिखने की जिद और जो इनका एक जज्बा था, जो इनका एक जुनून था, वो इन्होंने एक प्रण लिया था और अपने प्रण पे खरे भी उतरे, चाहे उसके बावजूद उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन दिनों इन्होंने 550 दिन अन्न ग्रहण नहीं किया था। और आपकी इन सभी पुस्तकों के साथ साथ देश भर के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में साहित्य, कला और समाज, इन सभी विषयों को समेटते हुए, समसामयिक विषयों को समेटते हुए आपने 10,000 से अधिक लेख लिखे हैं, और आपके लेख छप भी चुके हैं देश की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में, और आपको आपके निरंतर इस तरह किए जा रहे रचना क्रम के लिए मेवाड़ रत्न साहित्य सम्मान, हिंदी सेवी सम्मान, सृजन साहित्य पुरस्कार, सारंग साहित्य सम्मान, और उसके अलावा इनको आपको राजस्थानी उपन्यास जून यात्रा के लिए वर्ष 2011 का प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार भी साहित्य अकादमी से मिल चुका है, और आप इसके साथ साथ देश की कई लब्ध प्रतिष्ठित संस्थाओं से सम्मानित हो चुके हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया था कि 13 वर्ष की आयु में आपने अपना लेखन शुरू कर दिया था, और ये यात्रा आज तक इनकी अनवरत जारी है, कि
आकाशवाणी और दूरदर्शन पर नियमित रचनाओं का प्रसारण होता रहा है। दूरदर्शन के जयपुर केंद्र के लिए अनेक वृत्त चित्रों का आपने लेखन किया है। इसके साथ ही धारावाहिक अलख आजादी की जयपुर दूरदर्शन से आपका प्रसारित हो चुका है, और उसके साथ ही वर्ष 2004 से 7 तक राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की संचालिका सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य भी आप रह चुके हैं, और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के राजस्थानी के पाठ्यक्रम में आपकी रचनाएं सम्मिलित हैं। तो अतुल जी एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, जिनका नाम हमारे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बात करें तो ज्योतिष की, जी ज्योतिष की तरफ रुचि क्यों, यही तो मैंने जी तो वो जानना था। मेरा प्रश्न था आपसे कि ज्योतिष विद्या की तरफ कैसे रुझान हुआ। जी मेरा सीधा सा, अब मैं चूंकि नटशेल में बात कहूंगा, मैं इसको मानता नहीं था, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर कोई इस बात को नहीं स्वीकार करता, किसी विद्या को नहीं स्वीकार करता, तो उसे उसके बारे में जानना चाहिए। किसी को भी नकारने के पहले आपके अंदर उसको, आपके पास उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो जब मैंने ज्योतिष से संबंधित किताबों को पढ़ा, तो मुझे लगा ये तो एक परफेक्ट साइंस है। कुछ लोग दूसरों को उल्लू बना के, क्योंकि वो जानते नहीं है, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ बदनाम करने के लिए इस विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से मुझे ज्योतिष सीखने का शौक लगा, और शास्त्र जो उपलब्ध थे वो मैंने पढ़ने की कोशिश की, जितना पढ़ सका हूँ। लोगों के काम नहीं आ रहा है, मेरे तो काम आ रहा है। जी, उसके बाद क्या समझा आपने? मुझे बस ये भी थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए लोगों को कि जो इसको लेके कई भ्रांतियां हैं, जैसे कई लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, या तो क्या आपने क्या महसूस किया, या क्या कहाँ तक पहुंचे आप इसमें? आपने जैसे कि मैंने एक बार बातचीत में बताया था कि एक विज्ञान है, ये भी एक विज्ञान है, तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। मेरा ये मानना है कि सूरज के नीचे की सारी चीजें, यहां तक कि सूरज भी, सौरमंडल की सारी चीजें, और जिसमें हमारे घर और ये सारी चीजें आती हैं, ये किसी न किसी ग्रह से संबंधित होती है। जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष के आधार पर जीवन को दिशा बदल देंगे या किसी अनहोनी को टाल देंगे, वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन ज्योतिष का अर्थ है जो जीवन को ज्योति दिखाए ऐसा विज्ञान, जीवन को रास्ता दिखाए ऐसा विज्ञान। मुझे अगर ये पता है कि आज यहां से 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे किसी दुर्घटना का शिकार होना है, तो दुनिया का कोई ज्योतिष उस दुर्घटना से मुझे बचा नहीं सकेगा। लेकिन चूंकि मुझे अच्छा उसकी जानकारी होगी, हाँ चूंकि मुझे उसकी जानकारी होगी, तो मैं उस 5 किलोमीटर के सफर में इतना सतर्क होकर चलूंगा कि मैं वहां जाने के बाद मेरी हड्डी वाले ही नहीं टूटे, लेकिन खरोंच तो मुझे आएगी। तो व्हाटएवर हैज बीन प्रेडिक्टेड, जो लिख गया है वो सारा का सारा होना है, लेकिन हमारे कर्म, जैसे एक सब्जी है, एक कुशल गृहिणी जब सब्जी को आंच पर चढ़ी सब्जी को बनाएगी, सब्जी तो पकेगी, लेकिन जब कुशल गृहिणी बनाएगी तो वो अच्छी तरीके से पकेगी। उसको पता होगा कि आंच की कितनी तेजी है, और मेरे जैसा अनाड़ी जब जाएगा तो जल जाएगा और उतार लेगा, तो सब्जी को तो आंच लगी। तो ज्योतिष भी आपको जीवन की संभावनाओं को रेखांकित करता है। कर्म, कुछ लोग कहते हैं कि जब ज्योतिष सब कुछ है तो कर्म क्या है, ज्योतिष आपको रास्ता बताता है कि ये रास्ता बना, इस रास्ते पर चलना है, लेकिन चलने का काम तो हमें ही करना है। अगर मेरे हिस्से में रोटी है तो रोटी तो मेरे सामने आ जाएगी, लेकिन उसको तो खाने का काम तो मुझे ही करना है। तो कर्म के साथ अगर हम जीवन की संभावनाओं को जाने, ज्योतिष हमें यही कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका एक मतलब कहा जाता है कि जैसे आप मंत्रोच्चार वगैरह जो हम करते हैं, तो उससे कुछ प्रभाव होता है और काफी हद तक नकारात्मक, कुछ रोका, जी रोका जा हाँ सकता है, दोनों कुछ सकता। हद तक टाला जा सकता है, ग्रहों हाँ को मैं कुछ ये हद नहीं तक कहूंगा कि जी, जी आज ही मेरे पास एक शांत मित्र आए थे। हाँ जी फरमाए, आज जी मेरे वही कि पास एक कुछ हद मित्र तक आए थे। ग्रहों को शांत किया जा सकता है, कुछ उसी ग्रहों से संबंधित धातुओं से, उससे पहन के भी कुछ तरह से, तो वो उसमें कितना विश्वास है या कितना सत्य है ये? देखिए, जो कुछ होना है वो तो होना, मैंने कहा, उसके प्रभाव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। आज ही मेरे पास किया एक जा मित्र सकता आए, मेरे पास एक मित्र आए, मैंने कुछ दिनों पहले उनसे कहा था कि अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखना, और इस वक्त जो रिपोर्ट उनकी आई है बहुत, मैं ज्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है वो भी इस पर हो और उनका दिल टूटे।
अंत में मैंने उनसे कहा कि अगर अनहोनी को रोकना मेरे बस में होता, मेरे पिता की सेहत जब खराब हुई थी और जब उनका अंतिम समय आया, मैंने करीब 1 महीने पहले अपनी बहन से, जिनके पास वो रहा करते थे, उनसे कहा था कि पापा की इस तारीख को सेहत का ध्यान रखना। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये चीजें रोकना मेरे बस में होता या संसार में किसी के भी बस में होता, तो फिर मैं अपने पिताजी की तस्वीर को दीवार पर नहीं टंगने देता। लेकिन बिल्कुल आज मैंने ये शर्ट पहनी है, इस शर्ट को साफ रखना तो मेरे उसमें है, ये फटेगी निश्चित रूप से, एक दिन फटेगी, लेकिन जब तक मैं पहनू तब तक इसको धो तो सकता हूं। तो मंत्रों का जी जहां तक सवाल है, मंत्रों का जहां तक सवाल है, मंत्र ध्वनिया ही तो है, और हमें हमारे यहाँ तो शब्द को ब्रह्म माना गया है। जब किसी को गाली आप देकर या अपशब्द कहकर मैं उसके अंदर उत्तेजना पैदा कर सकता हूं, तो मैं किसी मंत्र का प्रवाह करके, किसी मंत्र का उच्चारित करके सकारात्मक ऊर्जा कैसे पैदा नहीं कर सकता? वाह वाह वाह, क्यों आखिर बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही मेरा आपने, सच तो शब्द ब्रह्म है। शब्द जो एक ऊर्जा है, और विज्ञान भी ये में। मानता है कि ऊर्जा को हम खत्म नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ेगा। कुछ मंदिरों में जाकर हम मैं कहता हूं कि मंदिर में भगवान नहीं है। जब लोग मुझसे पूछते हैं हमें मंदिर, लेकिन मंदिर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? मंदिर में लगातार पूजाएं होती है, मंदिर में लगातार मंत्रोच्चारण होता है, आरतियां होती हैं, उसके कारण मंदिर की जो दीवारें हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और उस चार्जिंग के सकारात्मक प्रभाव को लेकर हम आते हैं। जब भीड़ में हम जाते हैं क्यों घुटन महसूस करते हैं, या वो जो मंदिर में पीतल का घंटा या तांबे का घंटा बजता है, उससे अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। दो ही चीजों से होती है, या तो बांसुरी से या मंदिर में घंटे से। उस घंटे से जो अनुदैर्ध्य तरंगें पैदा होती है वो हमें उत्साह देती है। क्यों आखिर हम किसी वीणा के तार को सुनकर और हर्ष से भर जाते हैं? क्यों किसी दुखी गीत को सुनकर और हम करुणा से भर जाते हैं? क्योंकि इन स्वर लहरियों में मंत्र के उच्चारण, मंत्र के उच्चारण के अपने नियम है। मैंने साधारण तरीके से बोल दिया, वो नहीं, उसमें कहाँ पुट देना है, कहाँ संपुट देना, ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो उससे हम सकारात्मक ऊर्जा बनाते हैं, और सकारात्मक ऊर्जा जितना जीवन को बचा सकती है, जितना बना सकती है, वो सकारात्मक ऊर्जा अपना काम करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ही गहरी और बहुत सही और बहुत साफ बात कही आपने कि उसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा बचाव तो किया ही जा सकता है। तो अतुल जी, आपकी कविताओं का इंतजार हो रहा है। और जी जी बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं, जी, बहुत सारी मेरी गजलें बहुत ज्यादा मैंने कहीं सामने नहीं आई, गजलें बिल्कुल कुछ सुना। जी, उसके गजल का पहले भी मैं इंतजार है एक विशेष रचना का एक अंश पढ़ना चाहता हूं, और इस रचना को पढ़ने के मूल, लिखने के मूल में भी मेरी बेटियां छोटी थी, उसने नर्सरी क्लास में जाना शुरू किया था, और व्यंगकारों की एक बैठक में मैंने कहा कि क्या तुम्हारे बच्चे या मेरी बच्ची तुम्हारे व्यंग व्यंग पढ़ सकती है? अगर वो पढ़ सके तो हमें तो मालूम असार्थक था, अगर मेरी बच्ची मेरी रचना को ना पढ़ सके। तो उसने अक्षर ज्ञान प्रारंभ किया, तो पहली क्लास में होगी या UKG में होगी। मैंने एक व्यंग लिखा और हिंदी में यह अद्भुत प्रयोग हो गया, मैंने किया, ये शब्द मैं कभी भी नहीं कहूंगा, ये एक अद्भुत प्रयोग हो गया। पूरे व्यंग में कहीं भी कोई मात्रा नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सुनना अब आप, चाहेंगे मैं व्यंग के एक या दो पैरे पढ़ूंगा। जी। कनक सफलपन, अब असफल रहकर गम गलत मत कर, दर बदर मत भटक, अटक अटक कर मत चल, इधर उधर मत टहल, झटपट बढ़, डगमग मत चल, सरपट बढ़, पवन बनकर चल, भरसक जतन कर, सहम मत बढ़, फल लपक लपक कर, झट गटक, कसर मत रख, कहर बन, घन बनकर सर पर बरस, हर जगह खबर बन, अनपढ़ मत रह, हर वचन पढ़, नयन पढ़कर मन पढ़, यक बयक बहक मत, सतह पर मत ठहर, लगन रख, तल तक नजर रख, अगन पर नजर रख, कदम कदम बढ़, सतत बढ़, कमर कप, लड़ झगड़, कलह कर, दहशत भर, तन ठन ठन मत रह, डर मत, अकड़ कर चल, उदर भर हजम कर, हर रसद चटकर,
हर फसल हजम कर, अधम बन शर्म मत कर, खल कर्म कर, खटमल बन रबड़ कर, छल कर, सब उलट पुलट, नयन भर नभ हड़प, जल थल नभ पर हक रख, हर जगह दखल रख, जन गण मन पर असर रख, जन मत पर पकड़ रख, कनक वाह, बिल्कुल बढ़। ये पूरा का पूरा व्यंग्य, बड़ा व्यंग्य, उस वक्त जनसत्ता ने छापा था। जी, एक बहुत गजल अच्छे। सुनिए। अच्छा जी, इरशाद। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, जीने के खातिर ही मरना पड़ता है। जिन गलियों में थप्पी दी थी बचपन ने, उनसे खेले बिना गुजरना पड़ता है। ये जी। जो कविता है, कबीर की चादर है, क्या इसको ज्यों का त्यों ही धरना पड़ता है। बात है, और क्या बात है, क्या बात है, वाह, शेर, फिर से कहिए, फिर से कहिए। ये तो कविता है, कबीर की चादर है, इसको ज्यों का त्यों ही धरना पड़ता है। जी लोकतंत्र में गुंडे अफलातून हुए, कह दें तो जुर्माना भरना पड़ता है। वाह 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 वाह, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। दिल का घाव हरा रखना मजबूरी है, थोड़ा थोड़ा रोज कुचरना पड़ता है। क्या बात है, सपनों क्या बात है, वाह। दिल का घाव हरा रखना मजबूरी है, थोड़ा थोड़ा रोज कुचरना पड़ता है। सपनों की मंजिल तक चढ़कर जाने को, संकल्पों के बीच उतरना पड़ता है। सच वाह, से बहुत उम्दा, रिश्ता, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक एक दर्द को अभिव्यक्ति दे रहा हूं, किसी कुप्रथा का महिमा मंडन मेरा मकसद नहीं है, लेकिन उस दर्द को समझिए। सच से जी। रिश्ता सती प्रथा के जैसा है, सच से रिश्ता सती प्रथा के जैसा है, दिल में दर्द लिए संवरना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा जी। एक गजल और कहिए, एक गजल सुबह जी। सुबह जब याद किसी की आती है, बिस्तर पर जैसे खुशबू बिछ जाती है। वाह, सुबह सुबह जब याद किसी की आती है, बिस्तर पर जैसे खुशबू बिछ जाती है, जन्नत भी पांवों के नीचे लगती है, जब बेटी हंसकर मुझसे बतियाती है। वाह, बहुत अच्छे। तुम तो उसका हाल कहो, वो कैसी है, क्या मेरी गजलें पढ़कर इतराती है। वाह, शुक्र मनाओ हमने तुमको चाहा है, अपनी तबीयत कहाँ किसी पर आती है। अपनी पर आया तो सब ले डूबेगा, माना दरिया का गुस्सा बरसाती है। वाह वाह वाह, अपनी किस्मत रोडवेज की मोटर है, जब तब रुक जाती है, धक्के खाती है। कत्ल बहुत करो, अच्छा व्यंग्य, बहुत अच्छा व्यंग्य किया था आपने, ये बहुत अच्छा, ये उन दिनों की रोडवेज और याद आ आखिरी गई आखिरी शेर है, कत्ल करो पर जरा जी। सलीके से करना, कत्ल करो पर जरा सलीके से करना, ये शायर का दिल थोड़ा जज्बाती है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और आप गजल, जी, जब स्वागत। जब तेरे ख्वाबों ने आना छोड़ दिया, मुई नींद में, जब तेरे ख्वाबों ने आना छोड़ दिया, मुई नींद ने बज्म सजाना छोड़ दिया। वाह वाह वाह, जिन्हें सिखाया, हमारी उम्र के बहुत सारे बुजुर्गों की ये पीड़ा है, जिन्हें सिखाया कैसे बोला जाता है, उन बच्चों ने ही बतियाना छोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, वाह। जिन गलियों में उसकी यादें रहती हैं, उन गलियों में आना जाना छोड़ दिया। तेरे हाथ हमने गंगा में छोड़े यूं, जो खुशबू का एक खजाना छोड़ दिया। शायद भाप गई नीयत सयादों की, एक चिड़िया ने सारा दाना छोड़ दिया। वाह ऐसे वाह, जख्म बहुत दिए, अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फिर से कहिए। शायद भाप गई नीयत सयादों की, एक चिड़िया ने सारा दाना छोड़ दिया। वाह, ऐसे जख्म दिए दोस्तों ने हमको,
हमने सबको गले लगाना छोड़ दिया। अरे वाह, कनक जी, अब तो दिल की बात कहो, अब तो उसने भी शर्माना छोड़ दिया। बस बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इसी तरह कुछ भी लिख लेता हूँ और आप सब लोग सराहा देते हैं, हाँ तो हिम्मत बहुत बहुत बढ़ सुंदर, जाती है लिख बहुत लेते हैं। सुंदर जी, बिल्कुल। आपकी हर विधाओं पर बहुत अच्छी पकड़ है और बहुत गहरी पकड़ है, तो इसी तरह साहित्य में आपकी पकड़ बनी रहे और इसी तरह अनवरत, बिना रुके, बिना विराम लिए अनवरत आप लिखते रहे और साहित्य जगत की इसी तरह सेवा करते रहे। और चलते चलते एक कविता जरूर सुना दीजिए, या एक व्यंग्य जरूर सुना दीजिए, अगर व्यंग्य की किताब आपके पास है तो। एक मैं पढ़ रही थी अभी कुछ आपका व्यंग्य, बड़ा हंसी आई थी पढ़ के। क्या था उसका नाम? उसके नाम ही बड़ा रोमांचित कर रहा था, रोचक नाम था बहुत, व्यंग्य संग्रह जो आपका है, चलो चूना लगाएं। चलो चूना लगाएं। जी, चलो चूना लगाएं। तो एक बार बस जाते देखता जाते अपन भी चूना लगाते हुए चले, विराम लेने हूँ। से पहले। जी जी एक व्यंग है, पीहर पीहर का कुत्ता। का कुत्ता, वाह। जी, श्रीमती जी इन दिनों बहुत परेशान है। परेशान होने का एक महत्वपूर्ण कारण भी है, उन्हें उनके उनके पीहर के कुत्ते की याद सता रही है। कुत्ते की याद सताए और वह भी पीहर के कुत्ते की, तो घर में बैठे पति का महत्व बहुत कम हो जाता है। पता नहीं ब्राउनी कैसा होगा, कहते वो कुछ इस तरह रोने लगी मानो रो रोकर शहर में बाढ़ ही ला देंगी। मैंने समझाया, भागवान, हाउसिंग बोर्ड का मकान है, बारिश के कारण छत पहले ही जगह जगह से टपक रही है, बची खुची जगह को तुम अपने आंसुओं से गीला कर दोगी तो बिस्तर कहाँ बिछाएंगे। जी लेकिन श्रीमती जी का रोना जारी रहा। मेरी इस चिंता ने कि बिस्तर कहाँ बिछाएंगे ने उन्हें और क्रुद्ध कर दिया। आंसू और सिसकियों के तेजाब में आरोपों की मिसाइल भिगोकर मेरी ओर दागते हुए बोली, तुम तो हो ही निर्दयी, मुझे ब्राउनी की चिंता सता रही है और तुम्हें बिस्तरों की पड़ी है। तुम क्या समझो पीहर के कुत्ते का प्यार क्या चीज होता है। श्रीमती जी की बात सुनकर मैं खामोश हो गया। जिस आदमी के प्यार को उसकी पत्नी ने पीहर के कुत्ते के प्यार के सामने इस तरह झिड़क दिया हो, वह इसके अलावा कर भी कर सकता था। श्रीमती जी बड़े घर की बेटी हैं, उनके पीहर में कुत्ता है। मैं साधारण सी हैसियत का आदमी हूं, इसलिए मेरे घर शुरू से ही केवल इंसान रहे। ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूं कि किसी आदमी की आर्थिक और सामाजिक हैसियत तभी बढ़ती है जब उसके परिवार में इंसान से ज्यादा महत्व कुत्तों का होता हो। अच्छा, लेकिन इस अनुभव से मैं पहली बार गुजरा था कि पीहर के कुत्ते के प्यार में विफल होकर अपने पति तक को झिड़क दिया जाए। पति को झिड़के जाने के यूं ही क्या कम बहाने होते हैं पत्नियों के पास, जो पीहर के कुत्ते ने इसमें और इजाफा कर दिया। मैंने पाया है कि जिन घरों में पालतू कुत्ता होता है वहां उसके कुत्तत्व के सम्मुख शेष सारी बातें फीकी होने लगती हैं। जी शर्मा जी मेरे ही मोहल्ले में रहते हैं। उनके पिता 7 दिन बुखार में तड़पते रहे, लेकिन शर्मा जी अपनी व्यावसायिक व्यवस्था के कारण उन्हें डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं निकाल सके। कुछ दिनों बाद उन्हीं शर्मा जी के टॉमी ने छींक दिया तो उसे अस्पताल ले जाने के लिए शर्मा जी ने अपना एक महत्वपूर्ण बिजनेस टूर तक रद्द कर दिया। मेरी शादी के कुछ दिनों बाद की बात है, एक दिन श्रीमती जी ने खाने में खीर बनाई। उनका मन रखने के लिए मैंने खीर की प्रशंसा कर दी। श्रीमती जी ने चहकते हुए कहा, पता है ब्राउनी को भी मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। मैं मन ही मन दूध की तरह उबल कर रह गया। उसी दिन श्रीमती जी ने अपने पियर फोन किया और अपनी मम्मी को बताया, मम्मी मैं आज बहुत खुश हूं, ब्राउनी की तरह ही इन्हें भी मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद आई। अंतर सिर्फ इतना रहा कि जहां ब्राउनी किसी भी हालत में दोबारा खीर नहीं खाता, इन्होंने तीन तीन कटोरी चाटी। माता जी ने उधर से क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे खीर के नाम से ही चिढ़ हो गई। अब जब भी श्रीमती जी खीर बनाती हैं और मैं उसे खाने से इनकार करता हूं
तो वो रुआंसी होकर कहती है, आप खीर क्यों नहीं खाते जी, ब्राउनी को तो मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। मैं उन्हें समझाना तो चाहता हूं कि मैं उनका पति हूं, उनके पीहर का कुत्ता नहीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश रह जाता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने जरा सी नाराजगी जताई तो श्रीमती जी रोते हुए कहेंगी, आप तो बात बात पर गुर्राते हो जी, जबकि ब्राउनी तो कभी मुझ पर भूखता तक नहीं। एक दिन मेरे मित्र गुप्ता जी अपनी पत्नी को साथ लेकर मेरे घर आए। बातों बातों में पता चला कि उनकी पत्नी के पीहर में भी कुत्ता है जिसका नाम ब्लैकी है। दोनों महिलाएं अपने अपने पीहर के कुत्ते के गुण गिनाने लगी। देखते ही देखते एक अघोषित द्वंद प्रारंभ हो गया, श्रेष्ठ कौन, ब्राउनी या ब्लैकी। बताया गया कि ब्राउनी हमेशा स्टील की थाली में ही खाना खाता है, तो ब्लैकी के बारे में जानकारी मिली कि वो तो डाइनिंग टेबल पर बैठे बिना मुंह झूठा तक करना पसंद नहीं करता। ब्लैकी के बारे में बताया गया कि गले में थैला लटका कर पर्ची डाल दो तो वो परचूने वाले की दुकान से सामान भी लेता है। तो ब्राउनी की कीर्ति कथा से पता चला कि वह किसी डैडी की गोद में बैठकर कार का स्टेयरिंग तक संभाल लेता है। मिसेस गुप्ता के अनुसार घर में एक बार कोई नहीं था और पीछे से चोर घुस आए, लेकिन ब्लैकी छत से कूदकर पड़ोसी के यहाँ चला गया और पड़ोसी को बुला लाया। इस तरह एक बड़ी वारदात टाल दी। श्रीमती जी ने नहले पर दहला मारा कि एक बार उनके पीहर के सभी लोग पार्टी में गए हुए थे, पीछे से उनके दादाजी को हार्ट अटैक हुआ और वो जमीन पर गिर पड़े। ब्राउनी ने देखा तो वो दौड़ा दौड़ा गया और फैमिली डॉक्टर को ले आया। इस तरह दादाजी के प्राण बच गए। दोनों महिलाएं अपने अपने दांव चल रही थी। गुप्ता जी ने मुझे और मैंने गुप्ता जी को देखा। एक दूसरे की ओर देखकर हम दोनों निरीह भाव से मुस्कुरा दिए। दोनों की पीड़ा का प्रस्थान बिंदु एक ही था, श्रीमती जी के पीहर का कुत्ता। अंतर था तो केवल इतना कि वो ब्लैकी के सताए हुए थे और मैं ब्राउनी का। शेक्सपियर की आत्मा मुझे माफ करे, लेकिन मैं उसकी एक प्रसिद्ध पंक्ति में थोड़ा सा बदलाव करके कहना चाहता हूं, नाम ने क्या रखा है, कुत्ते को किसी भी नाम से पुकारो लेकिन वह घर के दामाद के लिए ईर्ष्या का कारण बनेगा ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक दिन दफ्तर से लौटा तो श्रीमती जी बोली, सुनो जी, प्रसाद चढ़ाने मंदिर चलना है। पिछले सोमवार को ब्राउनी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मम्मी से पता चला तो मैंने मनोती मान ली कि ब्राउनी ठीक हो गया तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आज फोन पर मम्मी ने बताया कि ब्राउनी अब बिल्कुल ठीक है और फिर से स्टील की थाली में खाना खाने लगा है, हमें आज ही प्रसाद चढ़ाना है। मैं ठहरा हुकुम का गुलाम। उसी दिन श्रीमती जी को मंदिर ले गया। मंदिर से निकलते समय मैंने देखा कि गुप्ता जी अपनी पत्नी के साथ प्रसाद खरीद रहे हैं। मैंने पूछ लिया, गुप्ता जी क्या पिछले दिनों ब्लैकी भी बीमार हो गया था? जवाब में गुप्ता जी कुछ इस तरह मुस्कुराए कि मैंने वहां से आगे बढ़ जाने में अपनी भलाई समझी। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा व्यंग्यात्मक लहजा आपका, और उसके साथ साथ इसमें जो बिल्कुल कहीं कहीं अतिशयोक्ति अलंकार आया ना, उसने और भी रोचक, जी रोचक बना दिया है इसको, और भी रोचक हो गया है। तो ये है कि जब दो महिलाएं बैठती है या जब भी दो हंसने पे दो लोग आते हैं तो इस तरह हक जाती है, हाँकते नहीं वो हक जाती है, जैसे लेखक लिखता नहीं है, कोई लिखवा लेता है उसी तरह वो बोलती नहीं है, कोई बुलवा लेता है उनसे भी। बहुत ही रोचक आपके व्यंग्य हैं और बहुत अच्छी आपकी कविताएं और इतनी ही शानदार आपकी गजल। आपसे चर्चा करके हमें बहुत अच्छा लगा और जुड़ने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। फिर किसी रोज जरूर अगली कोई कड़ी में जुड़ेंगे और शेष बातें फिर अवश्य करेंगे। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार आचार्य जी, जन सरोकार मंच का भी आभार, उन मित्रों का, उन साथियों का, उन सब लोगों का भी आभार जिन्होंने आज मेरी बातों को सुना, बर्दाश्त किया, मेरे हौसले को बढ़ाया, सबका बहुत बहुत आभार। आप सबकी दुआएं मुझे निरंतर सृजनरत रखें, यही कामना करता हूँ। नमस्कार।